Assalamu alaikum guys, this is Zaheer Khan, an English language instructor. If you want to make your English better, so you are in the right place. Today I'm going to teach you one structure, this is keep on. जो आज मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है keep on. Keep on का मतलब होता है करते रहना, कोई भी काम करते रहना. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं उनके घर नहीं जा रहा, वो मुझे डांटते रहते हैं. कोई लड़की कहती है कि मैं आंटी के घर नहीं जा रही, वो मुझसे बर्तन धुलवाती रहती है. मैं कहता हूँ वो बंदा टीचर है, वो पढ़ाता रहता है. मैं खेलता रहता हूँ, हम इंजॉय करते रहते हैं. स्टूडेंट्स बहाने बनाते रहते हैं, वो ड्रामा देखती रहती है. हम फुटबॉल खेलते रहते हैं, वो रोज़े रखता रहता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है कीप ऑन. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज. डू एंड डज, आप डू कहाँ पे लगाते हैं या डज कहाँ पे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, सबसे पहले फार्मूला. हमारा फार्मूला है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया. सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं. ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट, कोई भी नाम, आई वी यू दे, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट. अच्छा, तो सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया आई. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है कीप ऑन, तो हमने यूज़ किया कीप ऑन. उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है. आईएनजी फॉर्म का मतलब है जिस वर्ब जो होती है उसके साथ आईएनजी लगा देना है. जिस तरह कुक हुआ उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्या बन जाएगा, कुकिंग. स्पीक स्पीकिंग, इसी तरह आईएनजी फॉर्म हमने लगाई. लिसनिंग, लिसन से क्या हो गया, लिसनिंग. एंड ऑब्जेक्ट हमारा है म्यूज़िक. आई कीप ऑन लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुनता रहता हूँ. मैं म्यूज़िक सुनता रहता हूँ. वंस मोर, सब्जेक्ट है हमारा शी. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है कीप ऑन, तो मैंने कीप्स ऑन लिखा. अच्छा, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा हुआ होगा. ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा होगा. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शी कीप्स ऑन, ही कीप्स, इट कीप्स, अली कीप्स, सिंड्रेला कीप्स, जूलिया कीप्स, या कोई भी नाम हो तो उसके साथ एस का इजाफा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कीप्स. अच्छा, तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, मैंने लिखा स्कोल्डिंग. और ऑब्जेक्ट है हमारा मी. शी कीप्स ऑन स्कोल्डिंग मी, वो मुझे डांटती रहती है, मतलब अच्छी बच्ची नहीं है, मुझे डांटती रहती है. अच्छा, मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग. मैं पढ़ाता रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग. वो गाती रहती है, शी कीप्स ऑन सिंगिंग. वो कार चलाती रहती है, शी कीप्स ऑन ड्राइविंग अ कार. वो मुस्कुराती रहती है, शी कीप्स ऑन स्माइलिंग. अच्छी बात है मुस्कुराना, मुस्कुराते रहा करें. अच्छा, उसके बाद है हमारा नेगेटिव. नेगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ नॉट लगा देते हैं. डू हुआ तो डू नॉट, और डज हुआ तो डज नॉट. अच्छा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट है हमारा आई. अब आई के साथ डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है, तो देखिएगा यहाँ पे आई के साथ डू नॉट लगता है. अगर वी हुआ तो डू नॉट, यू हुआ तो डू नॉट, दे हुआ तो डू नॉट, या कोई जमा. जमा का मतलब है अली एंड उमर, इकरा एंड सिद्रा, तो ये जमा हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, डोंट, डू नॉट. तो हमने डू नॉट लगा दिया. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है कीप ऑन, तो हमने कीप ऑन लगा दिया. उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, वो है वॉचिंग. और ऑब्जेक्ट है हमारा टीवी. आई डोंट कीप ऑन वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देखता रहता. टीवी देखनी भी नहीं चाहिए, बुरी बात है. अच्छा, मैं नहीं पढ़ाता रहता. आई डोंट कीप ऑन टीचिंग, वो नहीं गाता रहता. ही डजंट कीप ऑन सिंगिंग. ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगेगा. ही डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग, वो नहीं खेलता रहता. ही डजंट कीप ऑन प्लेइंग, मैं नहीं बताता रहता. आई डोंट कीप ऑन टेलिंग, वो नहीं बताती रहती. शी डजंट कीप ऑन टेलिंग. अच्छा, क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं. तो हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया डू. अब डू के बाद क्या लगाएंगे, फार्मूले के अंदर क्या है, सब्जेक्ट. तो हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया यू. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है कीप ऑन. और उसके बाद आईएनजी फॉर्म है वॉचिंग. और उसके बाद ऑब्जेक्ट है टीवी.